यादें तो हैं, मेरे बच्चे भी वो देखते हैं तो खफा होते। कौन कहता है कि बेचू, जुल्म किया है मेरे साथ। पेशावर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इसकी गवाही वक्तन फवक्तन सामने आती रहती है। सेठी हाउस, तहसील गुरगटरी के अलावा शहर के अंदरूनी इलाकों में ऐसे सैकड़ों मकानात और इमारतें अब भी मौजूद हैं जो पेशावर को तहजीब और सकाफत का गहवारा होने का वाज़ह सबूत देती हैं। सरकी गेट का शुमार भी पेशावर के तारीखी इलाकों में होता है। इसका मोहल्ला बड़ इन दिनों मीडिया पर जेर बहस है, जहाँ मिसमारी के दौरान जेर ज़मीन दो मंजिला इमारत दरियाफ्त थी। अहले इलाका और महकमा आसार कदीमा के मुताबिक इमारत 150 से 200 साल पुरानी है। मकान का स्ट्रक्चर लकड़ी पर मुश्तमिल है और वजीरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इस मकान के बारे में इन दिनों काफ़ी किस्से मशहूर हैं। ताहम मकान के मालिक ने तमाम मफरूजों को मुस्रत करते हुए बताया, 1983 में घर लिया, मैंने 18 साल इसमें गुजारे हैं। इसमें वो पुराने ज़माने का पंखा भी लगा हुआ था, वो हाथ वाला, वो खींचते थे तो हवा आती थी। इसमें बकायदा सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, ठीक ठाक था। पानी की कुआं भी है बीच में। ये दो मंजिला तखाना है, गैलरी भी थी, कमरे नहीं है, ये ऐसे बरांडा सा है, पुराने घरों के जैसे बरांडे से होते हैं वैसे डिजाइन में था। ऊपर दो मंजिले थी, बेहतरीन जगह थी ना, खुद ही जगह थी, खुश था भी इसमें। अगर पुराना था जगह था, मैं खुश था, और यादें तो अच्छी यादें हैं। ये जो मकान का मसला बना हुआ है, ये हमने 1983 में तीन भाइयों ने मिलकर ख़रीदा है, और फिर मेरे बड़े भाई ने हमसे खुफिया ये बेच डाला है, फिर छोटे भाई को हिस्सा दे दिया है, हमें भाई ने निकाल दिया है बीच में से। 12-2 का केस मेरा चल रहा है फ्रॉड का, और मुझे हिस्सा नहीं मिला, मैंने स्टे लिया शिशन से, और मेरा मुकदमा चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और यादें तो हैं, मेरे बच्चे भी वो देखते हैं तो खफा होते। कौन कहता है कि बेचू, जुल्म किया मेरे साथ। इस इलाके में कई दहाइयों से रहिश पजीर एक शहरी का कहना है, हर कोई जब देखता है तो उसे सबसे पहले बड़ा दुख होता है कि जो हसीन शाहकार था, जो तामीर हुई थी, और इसकी तामीर से और इसके स्ट्रक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकान 200 बरस से ज़्यादा पुराना था, और इसमें वज़ीरी ईंट का इस्तेमाल किया गया। ज़ुबान हाल से ये ज़ाहिर होता है कि इसमें आला किस्म के देखें मैसन गिलकार और इंजीनियर्स ने काम किया था। दुख होता है कि ये लोग इसको बेच कर चले गए, और न जाने अब इसके साथ जो कुछ होगा। अच्छे लोग हैं पेशावरी, लेकिन ना इत्तफाकी ने इनको कहीं का नहीं रहने दिया, ना इत्तफाकी इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है।